फ्री ही हो गया लगभग 5 से लेकर 10 रुपए का। सेम जूते 800 रुपए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दुष्यंत और आज का हमारा टॉपिक है वेडिंग में तो मैं सेक्सी दिखवा दूंगा, वो भी सस्ते में। वीडियो बट एंड तक देखना, बहुत सारे कपड़ों की जुगाड़ आपको सस्ते में करवा दूंगा। वैसे जितने भी सारे कपड़े दिखाऊंगा उन सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होंगे, बट आप ऑफलाइन भी ले सकते हो, उसकी कोई टेंशन नहीं है। तुम्हारे भाई का इंस्टाग्राम फॉलो कर लो यार, बहुत टाइम हो गया। और तुम्हारे भाई ने एक नया ब्लॉग चैनल बनाया, उसको भी सब्सक्राइब कर दो प्लीज, ताकि मैं ये जल्दी से काम बंद करके व्लॉगिंग पे शिफ्ट हो जाऊं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगी, मैं तो ये खरीदी नहीं, ये मेरे फादर ने खरीदी थी, वो भी 2 साल पहले 650 रुपए की। इसको कहते हैं मोदी जैकेट। ये ब्लैक कलर की जैकेट है, पापा ने लोकल मार्केट से खरीदी। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप भी लोकल मार्केट से खरीदो, और अगर आपके समझ नहीं आ रहा कि लोकल मार्केट से कैसे खरीदो, तो ऑनलाइन आपको ये समथिंग 800 से लेकर 1000 की मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी सेल चल रही है तो इसलिए आपको सस्ती मिलेगी। ये मेरी मोदी जैकेट लोकल है, अगर आपको ब्रांडेड लेनी है तो आप ब्रांडेड भी ले सकते हो, डिपेंड करता है आपके बजट पर। देन आपको चाहिए 2 चीजें, एक ब्लैक शर्ट और एक व्हाइट शर्ट। ये हमारे सारे आउटफिट्स के साथ काम करेगी, दोनों आप लोकल ले सकते हो। लोकल मार्केट से बजट होगा 500 से लेकर 1000। मेरी वाली जो शर्ट है वो दोनों ब्रांडेड है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका जो बजट है वो 500 से 1000 रखो, लोकल मार्केट से लो। बट व्हाइट शर्ट में आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, उसमें शाइन होनी चाहिए, मतलब उसका जो रंग है वो सफेद एकदम चमकता होना चाहिए, डल नहीं होना चाहिए, वरना आपका जो पूरा आउटफिट है वो खराब हो जाएगा। उसके बाद आपको चाहिए ट्राउजर। तो ट्राउजर मेरे थे एलपी के, ये ट्राउजर समथिंग 2-3 के मान लो, बट आप ये 500 रुपए में बनवा सकते हो। वो बोलो कैसे? कहीं से कपड़ा लो, किसी अच्छी दुकान से, टेलर को पैसे दो, 250 रुपए सिलाई चल रही है, कपड़ा आपके ऊपर है कि कितने में आप पटा लो। तो 500 से लेकर 600 में इंक्लूडिंग सिलाई आपको ये पैंट पड़ सकती है, बहुत अच्छी फिटिंग। कोशिश करना जो भी आपका जूता है और जो आपके ट्राउजर की हाइट है वो उसके ऊपर आके बस टकराए, ना उसके ऊपर जाके बैठे, नीचे सिलवटे नहीं पड़ने चाहिए, रिंकल्स नहीं पड़ने चाहिए, और ना आपकी एंकल लेंथ ज्यादा ऊपर हो जाए, बस आपके जूते की हाइट से टकराए हल्की सी, वो लुक बहुत ज्यादा अच्छा आएगा। फिटिंग का बनवाओगे तो वो आपके लिए बेस्ट है। अब आते हैं हम जूतों पर। जूते मैं लिए थे 800 रुपए के, ये हैं लोकल जूते, वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी सेल चल रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बात की मेरे कोई गारंटी नहीं है। इन सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहां से आके बाय कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक ओवरऑल लुक। ये लुक अगर आपके कोई बहुत ज्यादा नजदीक की शादी नहीं है, अगर आपको ऐसी जन किसी रिश्तेदार की शादी है उसमें आप पैसे वाले दिखोगे, ये वाला जो आउटफिट है जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसको पॉलिटिशियन ज्यादा पहनते हैं और राजस्थानी लोग बहुत ज्यादा पहनते हैं, बहुत ज्यादा क्लासी आउटफिट है ये। इसके साथ में एक चीज और ऐड करना, इसको कहते हैं पॉकेट स्क्वायर। ये मैंने 1200 रुपए का लिया था, आप इतने पैसे मत खर्च करना। आप अपनी मम्मी या अपनी बहन से बोलो कि मुझे कोई भी एक शाइनी कपड़ा चाहिए रेड कलर का, वो अपने आप आपको काट के दे देंगी, तो ये आपका फ्री ही हो गया लगभग 5 से लेकर 10 रुपए का। तो ये हो गया आपका पूरा आउटफिट तैयार। अगर दिन की शादी है तो सनग्लासेस भी लगा सकते हो, नहीं है तो फिर रात की लगाओ, बाल अच्छे से सेट करके जाना, परफ्यूम जरूर होना चाहिए अच्छा वाला। अब आते हैं घड़ी पर। घड़ी आप ऐसे ले सकते हो, आपका बजट अलाउ करता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा महंगी लो, क्योंकि वो थोड़ी लंबी चलती है, उनका लुक भी अच्छा होता है। सेकंड आउटफिट आते हैं इस वाले आउटफिट। तो इसके लिए सेम ट्राउजर 500-600, सेम जूते 800 रुपए, बेल्ट चाहिए आपको। बेल्ट मैंने अभी रिसेंटली बीकॉप करके कोई ब्रांड था, मैंने उससे ली थी, तो मेरे को 350 रुपए की लेदर बेल्ट पड़ी थी, वो भी 2 साइड ऐसे ट्विस्ट करने वाली। और अगर आप और लोकल मार्केट से लोगे, मैंने तो वो मॉल से ली थी गाजियाबाद से, तो आपको और सस्ती पड़ जाएगी मेरे ख्याल से 250-300 रुपए की, डिपेंड करता है आपकी डिस्काउंटिंग पावर पर, तो आप बेल्ट ले लेना। ये जो टी शर्ट है वीनेक, ये मैंने लिए जॉकी से, ये 400 रुपए की है। ये आप ऑनलाइन ले लोगे तो भी, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और ऑफलाइन ले लोगे तो भी सेम पड़ेगा, जॉकी में सच कुछ 50 रुपए का अंतर आएगा समथिंग। फिर आता है ये ब्लेजर। ये ब्लेजर थोड़ा सा महंगा है, बट आप इसकी कॉपी बहुत सस्ते में बनवा सकते हो, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। टेलर को जाके ये ब्लेजर दिखाओ, इसका कपड़ा सर्च करो और अपने लिए ब्लेजर बनवाओ, ये वाले स्टाइल का बनवाओगे बहुत नेक्स्ट लेवल क्लासी लुक लगेगा। इसके अंदर व्हाइट शर्ट भी अच्छी लगेगी, इसके अंदर ब्लैक शर्ट भी अच्छी लगेगी, इसके अंदर टी शर्ट भी अच्छी लगेगी, व्हाइट ब्लैक कोई सी टी शर्ट पहन लोगे बहुत सुपर क्लासी लुक देगा। तो ये वाला जो आउटफिट है इसमें भी आप वेडिंग में बहुत अच्छे लग सकते हो। ये वाला आउटफिट आप अपनी किसी खास की वेडिंग में भी पहन सकते हो, मतलब सोचो ब्लड रिलेटिव है ना, भाई बहन कुछ किसी की शादी है, ये आउटफिट में भी नेक्स्ट लेवल लगोगे। तीसरा कुर्ता पजामा प्लस मोदी जैकेट। अब देखो ये शाइनी वाले कुर्ते, ये मैंने लगभग 1 साल पहले खरीदा था। ये शाइनी वाले कुर्तों का थोड़ा सा लुक वो हो गया, क्योंकि 99% 200% में सब लोगों ने कुर्ते खरीद लिए, बात तो सही है। तो मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, बट अगर आपका फिर भी पहली बार पहनने का मन है कि हाँ भैया हमें कुर्ता पजामा ही पहनना शाइनी वाला, तो आप 2-3 कलर पहन सकते हो। ब्लैक सस्ता मिल जाएगा, अभी इस टाइम 1200 रुपए का रेट चल रहा है, मैं तो बहुत थक के आ गया था, मतलब मैंने मान्यवर से लिया, बहुत सुपर महंगा, आप सोचोगे भी नहीं। तो मैं 2 कलर आपको सजेस्ट करूंगा शादी के लिए, ब्लैक और ग्रे, इसके अलावा मैं आपको कोई कलर सजेस्ट नहीं करूंगा। इन दोनों के ऊपर आप जैकेट्स पहन सकते हो। मोदी जैकेट मेरी वाली थोड़ी सी शाइनी है, ये उसका कंप्लीट लुक है। नीचे चप्पल पहनना, चप्पल कोशिश करना अपने पैरों पर आप पेडिक्योर कराओगे ना, तो चप्पल आप पहन के चलोगे तो पैर थोड़े से ग्लो करेंगे, मतलब गंदे नहीं लगेंगे, क्योंकि जब लड़की आपको देखेंगे ना ऊपर से एकदम लड़का बढ़िया चल रहा है, नीचे देखा पैर खराब। तो कुर्तों का मैं ये वाले जो शाइनी वाले कुर्ते, ये मैं आपको सजेस्ट नहीं करूं, क्योंकि इस सीजन में बहुत कॉमन हो चुका है, बट अगर आपका मन है तो आप पहन सकते हो। अब चल रहे हैं आप 4th नंबर आउटफिट पर। ये सेम आउटफिट मैंने पहना है अनुराग ठाकुर जी से मिलने के लिए, तो इसमें मैंने पहना था सेम 400 रुपए की जॉगी टी शर्ट, वही ब्लैक ट्राउजर, बट मैंने हाफ बूट्स बदल लिए। ये बूट्स मैंने लोकल मार्केट से लिए थे, ये समथिंग मेरे को 1100 रुपए के पड़े थे, बट
भाई पैर बहुत दर्द करता है इसमें, तो आप कोशिश करना अगर आपका बूट्स का थोड़ा सा बढ़िया बजट है तो थोड़े ब्रांडेड ले लो, 1500 से लेकर 2000 तक के आ जाएंगे। और ये ब्लेजर ये इसका फैब्रिक है लिनन, इसकी प्रेस बहुत ज्यादा जल्दी खराब हो जाती है तो मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, और ऊपर से बहुत महंगा है। तो सेम डिजाइन आप अपने किसी कपड़ों में करवा लो तो बहुत अच्छा लगेगा, कलर बहुत सही है। इसके अंदर भी कोई सी भी शर्ट चल सकती है, बट मैं आपको शेयर करूंगा इसके अंदर अगर आप ब्लैक कपड़े ज्यादा पहनोगे ना, ब्लैक टी शर्ट या ब्लैक शर्ट, तो नेक्स्ट लेवल लगोगे। तो ये वाला आउटफिट हो गया हमारा फोर्थ नंबर का, ये भी कुछ बहुत ज्यादा महंगा नहीं बनेगा अगर आपको किसी की वेडिंग में ही जाना है। ऊपर से आउट ऑफ जितने भी सारे आउटफिट है उसमें से ये वाला बहुत आप वेडिंग में भी पहन सकते हो, आप फॉर्मल ओकेजन पहन सकते हो, आप डेट पे भी पहन सकते हो। ये वाला आउटफिट आप ज्यादा से रिपीट कर सकते हो। जो सेकंड वाला आउटफिट है वो आप इतना ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते क्योंकि वो लोगों की आंखों में हो जाएगा, सिर्फ वेडिंग के लिए ही सही रहेगा या फिर किसी पार्टी के लिए। फिफ्थ नंबर पर आते हैं, बहुत सारे कुर्ते मैंने पहने थे दिवाली विवाली पे, ये कुर्तों की प्राइस सबकी प्राइस 800 रुपए से कम है, तब मैंने ऑनलाइन मंगाए थे और कुछ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, कुछ शायद यहाँ भी टंगे हुए हैं। ये ब्लू वाला ये मैंने भगवान जी के दर्शन करने गया था तब पहना था, नेक्स्ट लेवल है। मैं सबके लिंक्स डाल दूंगा, सबके फोटोज डाल देता हूँ कौन कौन से मेरे पास है, आप ये सारे बाय कर सकते हैं। ये वाले सारे कुर्ते आप वेडिंग में भी पहन सकते हो, आप किसी नॉर्मल फंक्शन में भी पहन सकते हो, ज्यादा से रिपीट कर दो 800 कुर्ता अगर आपने 2-2.5 साल भी चला लिया तो घिस जाएंगे पैसे। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आया थैंक यू सो मच, बाय। टेलर को ये ब्लेजर दिखाओ, इसका मादरचोद हॉर्न पे हॉर्न बहन के लौड़े रात में पता नहीं क्या कर रहा है।